हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ माइक्रोफोन्स के ऊपर। दोस्तों, हम सभी माइक्रोफोन्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो लैपटॉप में हो, मोबाइल में हो या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक माइक्रोफोन काम करता है, एक कॉन्डेंसर माइक्रोफोन और एक नॉर्मल माइक्रोफोन मतलब कि एक डायनेमिक माइक्रोफोन के बीच में क्या डिफरेंस होता है एंड क्यों अच्छा वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आपको एक कॉन्डेंसर माइक्रोफोन सिलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एक माइक्रोफोन कैसे काम करता है। एक माइक्रोफोन बेसिकली साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक वेव्स में। इसको करने के लिए माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं कैपेसिटर का। एक कैपेसिटर एक बेसिक अरेंजमेंट है जिसमें दो मेटलिक प्लेट्स रहते हैं जिसको इलेक्ट्रिक पावर से पोलराइज किया जाता है एंड उसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो पावर है वो डिपेंड करता है दोनों मेटलिक प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर। जैसे ही डिस्टेंस घटेगा वो पावर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो पावर है वो बढ़ेगा और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो पावर है वो घटेगा। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके माइक्रोफोन्स काम करते हैं। एक माइक्रोफोन्स में भी जो सामने वाला पोर्शन होता है उसको बोला जाता है कैप्सूल एंड उसके अंदर दो मेटलिक प्लेट्स होते हैं। एक नॉर्मल प्लेट होता है एंड सामने एक बहुत ही पतला सा फिल्म होता है जिसको बोला जाता है डायफ्राम। जब भी ये डायफ्राम किसी साउंड वेव के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्योंकि वो पतला होता है इसीलिए वो वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट होते ही दोनों मेटलिक जो फिल्म होता है या फिर मेटलिक जो प्लेट होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस वेरी करता है और साथ ही साथ कैपेसिटेंस भी वेरी करता है। तो इसी तरह से जो साउंड वेव है वो कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रिक वेव्स में और इसी तरह से एक माइक्रोफोन काम करता है। अभी बात करते हैं कि एक कॉन्डेंसर माइक्रोफोन और एक नॉर्मल माइक्रोफोन के बीच में क्या डिफरेंस है। एक कॉन्डेंसर माइक्रोफोन और एक नॉर्मल माइक्रोफोन सेम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम करते हैं, मतलब कि दोनों में दो मेटलिक प्लेट्स ही होते हैं। बट जो कॉन्डेंसर माइक्रोफोन होता है उसका जो मेटलिक सामने वाला जो पतला सा फिल्म होता है या फिर डायफ्राम होता है वो बहुत ही पतला होता है जिसके कारण बहुत ही लो वेव के जो साउंड्स होते हैं उसको भी वो अच्छी तरह से रेस्पॉन्स कर पाता है। लेकिन जो नॉर्मल माइक्रोफोन्स होते हैं उसके सामने वाला जो फिल्म होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है जिसके कारण लो फ्रिक्वेंसी का जो साउंड होता है उसको वो अच्छी तरह से रेस्पॉन्स नहीं कर पाता है। दूसरा डिफरेंस है कि जो कॉन्डेंसर माइक्रोफोन्स है उसको हमेशा एक्सटर्नल पावर्स की जरूरत पड़ता है, लेकिन जो नॉर्मल माइक्रोफोन्स है या फिर डायनेमिक माइक्रोफोन्स है उसको एक्सटर्नल पावर्स की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि हमने देखा है कि हम लोग अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हैं उसको सिंपली हम लोग प्लग करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सटर्नल पावर देने की जरूरत नहीं पड़ता। ऐसा होने का मेन रीज़न यही है कि जो कंडेंसर माइक्रोफोन है उसको पोलराइज करने के लिए एक्सटर्नल पावर जरूरत पड़ता है और जो कैपेसिटेंस चेंज भी होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है जिसको एम्पलीफाई करने के लिए एक इम्पीडेंस कन्वर्टर यूज़ किया जाता है और उसके लिए भी एक्सटर्नल पावर्स की जरूरत पड़ता है। लेकिन डायनेमिक माइक्रोफोन्स में जो कैपेसिटर होता है उसमें एक डाई इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स का या फिर मटेरियल का यूज़ किया जाता है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी भी पोलराइजेशन क्रिएट कर सकता है, इसीलिए उसमें बहुत ही कम पावर का जरूरत पड़ता है जो कि हम लोग का एक मोबाइल का बैटरी भी और एक लैपटॉप का बैटरी भी उसको काफ़ी देर तक चला सकता है। लेकिन कॉन्डेंसर माइक्रोफोन में आपको एक्सटर्नल पावर देना होगा। अभी बात करते हैं कि क्यों अच्छा वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आपको एक कॉन्डेंसर माइक लेना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंडेंसर माइक्रोफोन का जो सामने वाला फिल्म होता है या फिर डायफ्राम होता है वो काफ़ी पतला होता है जिसके कारण बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी के साउंड को भी वो अच्छा रेस्पॉन्स कर पाता है और इसी के कारण जब भी आप वॉइस रिकॉर्डिंग करोगे तो आपके पूरे वॉइस रेंज को मतलब हायर फ्रिक्वेंसी से एकदम लोअर फ्रिक्वेंसी तक कवर करने के लिए आपको एक कंडेंसर माइक सिलेक्ट करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि माइक्रोफोन्स के ऊपर छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को जरूर क्लिक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।